हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर जेड अचीवर ऐप में डाटा या ओबीवी वाला फोल्डर ओपन नहीं हो रहा है तो कैसे आप सही कर सकते हैं। देखिए, जेड अचीवर ऐप को हम ओपन करते हैं, एंड्रॉयड वाले फोल्डर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ डाटा और ओबीवी वाला फोल्डर है। अगर हम डाटा पे क्लिक करते हैं तो ऐसा आ रहा है, पहले क्या होता था, ओके या अलाउ करने का ऑप्शन आता था, और जैसे ही हम ओके कर देते थे या अलाउ कर देते थे तो सभी फोल्डर शो करते थे, सभी फोल्डर दिखते थे। लेकिन अभी समय अगर हम यहाँ से ओके करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। अगर यहाँ से हम किसी फोल्डर पे क्लिक भी करते हैं और नीचे यूज दिस फोल्डर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अलाउ कर देते हैं तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, एक्सेस इज डिनाइड। तो गाइस, मेरा जो फ़ोन है एंड्रॉयड 12 है। आप सबसे पहले क्या करना है, अपने फ़ोन को चेक कर लेना कि आपका फ़ोन एंड्रॉयड 12 है या 13 है या फिर 11 है, और उसके बाद आप ये भी चेक कर लेना कि आपका फ़ोन अपडेट है कि नहीं है। अगर आपका फ़ोन अपडेट नहीं रहेगा तो आप उसे अपडेट कर लेना, फिर आपके फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम आते हैं बैक। अब हम अगर ओबी वाले फोल्डर पे भी क्लिक करते हैं तो सेम वही प्रॉब्लम है। ओके करते हैं, किसी फोल्डर पे क्लिक करते हैं, या फिर अगर हम क्रिएट न्यू फोल्डर पे क्लिक करके अगर एक फोल्डर भी क्रिएट करते हैं तो भी कुछ नहीं होता है। देखिए, अलाउ करते हैं, फिर भी वही प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस, अब आपको करना क्या है, एक दो बार आप ट्राई करना, क्या पता आपके फ़ोन में ओपन हो जाए। अगर फिर भी ओपन ना हो तो बैक आना है, प्ले स्टोर को ओपन करके यहाँ पर सर्च करना है जेड अचीवर ऐप को, ऐप आ जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर आप चेक कर लेना कि आपने अपडेट कर रखा है कि नहीं। अगर आपके फ़ोन में अपडेट आया रहेगा इसका तो आप सबसे पहले इसे अपडेट कर लेना, आपके फ़ोन में फिर एक्सेस डिनाइड वाली या फिर फोल्डर ओपन वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, फोल्डर ओपन हो जाएगा। इतना आपको चेक करना है। अगर आपने अपने फ़ोन को भी अपडेट कर रखा है, जेड अचीवर ऐप को भी अपडेट कर रखा है, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपको कुछ समय का इंतज़ार करना है। कुछ समय बाद ये अपने आप ही सही हो जाएगा, या फिर जेड अचीवर ऐप का जैसे ही न्यू अपडेट आएगा तो आप इसे अपडेट कर लेना, फिर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं रहेगी, प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो गाइस, आपको इतना करना पड़ेगा, आप टाइम टाइम पर चेक करते रहना जेड अचीवर ऐप को ओपन करके, क्या पता कभी भी ओपन हो सकता है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको सही तरीके से सब कुछ समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।